हे गाइस, दिस इज स्नेहा द्विवेदी। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ नई वीडियोस लेके आई हूँ और इस बार ये मेरा चैनल है न्यू, तो इस चैनल पे मैं सिर्फ इंग्लिश डालूंगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंटोनिम्स। मैंने सोचा है इंस्टेड ऑफ, मतलब पहले आप लोगों को मैं स्टार्ट करूँ सेंटेंसेस के साथ, तो इट्स बेटर कि पहले हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, वोकैबुलरी क्या होना चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वोकैबुलरी से स्टार्ट करना चाह रही हूँ मैं। और आज हम करेंगे एंटोनिम्स। क्या देखेंगे हम? एंटोनिम्स। तो कुछ ऐसे वर्ड्स मैं लेके आई हूँ जिनके एंटोनिम्स हम जानेंगे, ठीक है, इन इंग्लिश। जैसे एंटोनिम्स क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ एंटोनिम्स क्या होता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और आई थिंक सभी न्यू ही होंगे अभी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में लाइक ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियोस की सारी अपडेट्स आप तक आती रहें। ओके, तो चलिए हम करते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मैं बताने वाली थी, एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो एंटोनिम्स होते हैं हमारे विलोम शब्द। क्या होते हैं? विलोम शब्द। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम शब्द, जिसको कहते हैं अपोजिट वर्ड्स। क्या कह सकते हैं हम इनको? अपोजिट वर्ड, वो होते हैं हमारे एंटोनिम्स, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड्स को ही हम एंटोनिम्स कहते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि एंटोनिम्स क्या होता है। ANTONYMS एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द, और ए किसी की तरह होता है सिनोनिम्स। तो मैं इन वीडियोस के बाद पहले मैं एंटोनिम्स खत्म करूंगी, देन मैं सिनोनिम्स पे भी आऊंगी कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो चलिए हम एंटोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा होगा अबव। क्या होगा? अबव। अबव मतलब किसी चीज के ऊपर, पहले, किसी चीज से पहले, उसके ऊपर। तो अबव, तो अबव, अबव मतलब ऊपर है। तो उसका अपोजिट, उसका एंटोनिम क्या होगा? बिलो। क्या होगा? बिलो। बिलो मीन्स नीचे, ठीक है। एंटोनिम्स मीन्स, सॉरी, अबव मीन्स ऊपर, तो बिलो मीन्स नीचे। तो अबव का एंटोनिम क्या होगा? बिलो। नाउ अब क्या होता है? एक एक्टिव। एक्टिव का क्या होगा? पैसिव। एक्टिव मीन्स जो चीज अभी एक्टिव है, अभी चल रही है। पैसिव मीन्स जो पहले हो चुकी है, उस तरीके की, उसको कहते हैं। एक्टिव का क्या होता है? पैसिव। नाउ एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल। एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल, मेरे साथ साथ दो दो बार बोलते जाइए, आपको याद हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल। एक्सेप्टेंस मीन्स किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। जैसे हम कोई ऑफर आया, किसी चीज का आपके पास ऑफर आया, कोई मूवी का या किसी जॉब का ऑफर आया, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी क्या दी? एक्सेप्टेंस दी, ठीक है। एक्सेप्टेंस दी मतलब उसकी, आपको आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और उसका अपोजिट क्या होगा? रिफ्यूजल। क्या होगा? रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मीन्स उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने रिफ्यूज कर दिया, आपने उस ऑफर को, उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? रिफ्यूजल। रिफ्यूज कर दिया, ओके। तो एक्सेप्टेंस का क्या होगा? रिफ्यूजल। इसी तरीके से एक्सेप्ट का क्या होगा? रिफ्यूज। एक्सेप्ट का क्या होगा? रिफ्यूज। और एक्सेप्टेंस का क्या होगा? रिफ्यूजल, ठीक है। आई होप सबको तो अभी हमने कौन से थ्री वर्ड्स हमने देखे, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देती हूँ। अबव, बिलो, एक्टिव, पैसिव, एक्सेप्टेंस, रिफ्यूजल, ठीक है। नाउ फोर्थ वन होगा हमारा अराइवल। अराइवल, अराइवल मीन्स कहीं पे पहुंचना, कहीं पे पहुंचना, तो वो अराइवल। तो अराइवल पहुंचना हो गया। तो डिपार्चर क्या होगा? निकलना। कहीं पे पहुंचना तो कहीं से निकलना, ठीक है। तो अराइवल का क्या होगा? डिपार्चर। अराइवल मतलब कहीं पे पहुंचना, अराइवल। और डिपार्चर मतलब कहीं से निकलना, तो कहीं पहुंचना और कहीं से निकलना, दोनों अपोजिट हो गए। तो अराइवल का अपोजिट क्या होगा? अराइवल का एंटोनिम क्या होगा? डिपार्चर। और डिपार्चर का एंटोनिम अराइवल। नाउ आर फिफ्थ वर्ड इज दिस एडमिट। किसी भी चीज को एडमिट करना, मान लेना, ठीक है। एडमिट मतलब किसी भी चीज को मान लेना। मैंने एडमिट कर दिया कि मैं झूठ बोलती हूँ, ठीक है। और एक बार और उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका एंटोनिम होगा डिनाई। क्या होगा? डिनाई। डिनाई मीन्स मना करना, एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। डिनाई मीन्स ना करना, मना करना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? एडमिट, एडमिट मतलब मैं उसको एडमिट करती हूँ, मैं उसको मानती हूँ, ठीक है। तो एडमिट का एंटोनिम क्या होगा? डिनाई। आई होप यू ऑल गॉट इट। एडमिट का एंटोनिम क्या होगा? डिनाई। नाउ सिक्स्थ वर्ड हमारा हो सकता है अलाइव। अलाइव मीन्स जिंदा रहना। अलाइव मीन्स
जिंदा रहना, alive means होता है जिंदा रहना, तो जिंदा रहने का उल्टा क्या होगा, मरना, तो मरने को क्या कहेंगे, डेड, तो अलाइव का जिंदा और डेड का मरा हुआ, तो अलाइव डेड, ओके। नाउ सिक्स्थ, आई गेस ये सिक्स्थ वन था, ये जो भी था मैं भूल गई हूँ काउंटिंग, प्लीज इग्नोर करना, आई गेस सिक्स्थ था। तो सेवेंथ वन इज अरेस्ट, अरेस्ट, हमने कहा मैंने उसको अरेस्ट कर दिया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया, ओ माई गॉड, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया, ठीक है, तो अरेस्ट, अरेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, रिलीज, क्या होगा, रिलीज, उसको छोड़ दिया, ठीक है, किसी को पकड़ लिया तो किसी को छोड़ दिया, तो क्या होगा, अरेस्ट, एंड अरेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा हमारा, अरेस्ट का ऑपोजिट मतलब उसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा रिलीज, ओके। नाउ अभी हमारा एट्थ वन होगा बिजी, 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 सब कहते ना अरे मैं तो बिजी हूँ, अरे मैं तो वेला हूँ, मैं तो खाली बैठा हूँ, तो बिजी, बिजी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, खाली रहने को, आइडल, क्या हो जाएगा, आइडल, आईडीएलई, आइडल, ठीक है, वो वाला आइडल नहीं, आइडल, आईडीएलई, आइडल, ये इसका मतलब होता है खाली रहना, है ना, तो बिजी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, आइडल, राइट, ये था हमारा एट्थ वन। नाउ द नाइन्थ वन इज बैरन, बैरन मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, बी ए डबल आर ई एन, बैरन, बैरन का मतलब होता है जो जमीन हमारी उपजाऊ नहीं होती, क्या कहते हैं उसके लिए, एक हिंदी में वर्ड होता है, मैं भूल गई थोड़ा सा, बैरन का मतलब होता है जो जमीन उपजाऊ नहीं होती, जिस जमीन पे हमारे जो बंजर, बंजर, यस एग्जैक्टली, बंजर, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज रिफाइंड मी, बंजर, ओके, बंजर, ठीक है, बैरन जमीन को क्या, बैरन मतलब, बैरन लैंड मीन्स बंजर जमीन, तो वो बैरन का मतलब होता है बंजर, तो बंजर का ऑपोजिट क्या होगा, फर्टाइल, जहाँ पे हमारे प्लांट्स ग्रो हो उस लैंड को क्या कहेंगे, उगने वाली, उपजाऊ, उपजाऊ, तो उपजाऊ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फर्टाइल, ओके, तो बैरन एंड फर्टाइल, बैरन का हमारा एंटोनिम क्या होगा, फर्टाइल, ठीक है। नाउ दैट नाइन्थ वन, ये नाइन्थ वन था आई गेस, नाउ द टेंथ वन विल बी, टेंथ वन विल बी ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, हमने किसी को ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद दिया, राइट, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट क्या होगा, एक तो होता है आशीर्वाद दे रहे हैं, एक होता है हम किसी को श्राप दे रहे हैं, तो श्राप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्स करना, किसी को कर्स करना। अब हमारा जो टेंथ, आई गेस इलेवेंथ वर्ड, जो इलेवेंथ वर्ड होगा वो होगा एबसेंट, तो एबसेंट मतलब गायब रहना, ना होना कहीं, उपस्थित ना होना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उपस्थित होना, तो एबसेंट का प्रेजेंट, इट्स वेरी सिंपल, बहुत कॉमन है, सबको पता होगा, है ना, एबसेंट का क्या होगा, प्रेजेंट। नाउ आवर ट्वेल्थ वर्ड विल बी ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या होता है बताइए, ब्लंट का मतलब होता है जो मोटा हो, जो शार्प ना, जो पैना ना हो, शार्प ना हो, तो ब्लंट शार्प, देखो मैंने इसका एंटोनिम भी बना दिया, बता दिया, ब्लंट का एंटोनिम होगा शार्प, ब्लंट मैंने क्या कहा, जो शार्प ना हो, जो मतलब वो चाकू जैसे, कैसे हम नाइफ कह सकते हैं, चाकू कह सकते हैं, अरे ये नाइफ तो ब्लंट है, ये नाइफ ब्लंट है मीन्स वो पूरा का पूरा ऐसे हमारा वो नहीं हो रहा, क्या, शार्प नहीं है, उसे कुछ कट नहीं रहा है, तो ब्लंट का क्या होगा, शार्प, तो ब्लंट का मीन समझ में आ गया, देखिए शार्प तो सबको पता होगा लेकिन ब्लंट नहीं पता होता है लोगों को, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर शार्प वर्ड का ऑपोजिट आया तो क्या बोलेंगे, ब्लंट, और ब्लंट आया तो शार्प, आई होप ब्लंट का मीन आप लोग समझ चुके होंगे। नाउ द 13th वर्ड विल बी ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट मतलब बहुत ज्यादा चमकदार, ब्राइट नहीं, चमकदार नहीं कह सकते, हाँ ब्राइट मतलब तुरंत से दिखने वाला, ब्राइट, तो ब्राइट का क्या होगा, डल, डल मतलब धुंधल, मतलब थोड़ा सा डल सा नहीं दिख रहा, ये अरे ये कलर तो बड़ा ब्राइट है, और ब्राइट है मतलब भड़काऊ, थोड़ा चमकदार सा है ना, और डल मतलब बहुत डल है, थोड़ा सा इसका कलर डल है, डाउन सा है ना, तो उसको कहेंगे डल, तो ब्राइट का क्या होगा, डल, और डल का क्या होगा, ब्राइट। नाउ 14th वर्ड विल बी, 14th वर्ड हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, एक क्रेडिट होता है पिक क्रेडिट, दस पिक क्रेडिट, देख मतलब वो क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना, किसी को श्रेय देना कि उसने मेरी फोटो क्लिक करी, तो पिक क्रेडिट दिस, ऐसे करते हैं ना, तो बट ये क्रेडिट वो क्रेडिट नहीं है, अभी जो क्रेडिट की बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ अकाउंटिंग टर्म्स में,
ठीक है, जैसे हमारे जो पासबुक में आता है डेबिट और एक क्रेडिट, दो वर्ड आते हैं, क्रेडिट में पैसा आया, डेबिट में पैसा गया, ठीक है। क्रेडिट मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आया, डेबिट में पैसा गया, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। तो ये इसका एंटोनिम हो गया, क्रेडिट का एंटोनिम क्या हो गया, डेबिट। नाउ 15th वर्ड, हमारा जो 15th वर्ड होगा वो होगा चीप। चीप, चीप कह सकते हैं, चीप मतलब सस्ता। और अगर फिर उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, चीप का क्या हो जाएगा, कॉस्टली, ठीक है। कॉस्टली मीन्स महंगा, चीप मतलब सस्ता। तो ये हमारे कुछ ऐसे एंटोनिम्स हो गए। आज हमने कितने एंटोनिम्स पढ़े, 15, 10+5। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से और 15 देखेंगे, क्योंकि अभी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी बारिश, हल्की हल्की सी ड्रॉप्स आ रही हैं। तो आज वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे कल, और कल की वीडियो में हम देखेंगे बाकी के और भी एंटोनिम्स, और कितने एंटोनिम्स होते हैं, कितने सारे होते हैं, फिर हम देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी के एंटोनिम्स हम कल करेंगे। ओके।